Good morning, students. Let us start today's class. Today we are doing our English practice book and page number is 13. Today we are doing हमारी English practice book में page number 13 आज हम कर रहे हैं बेटा. Okay? That is worksheet 3. See what is written. 2 days after, 2 दिनों के बाद, Sarika receives this note from the queen. जब सारिका ने हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था अपने पेरेंट्स के साथ जाकर क्वीन का जेम रिटर्न कर दिया लौटा दिया तो उसके 2 दिनों के बाद सारिका को ये नोट मिलता है किसकी तरफ से क्वीन की तरफ से क्या लिखा है डियर सारिका थैंक यू प्यारी सारिका थैंक यू धन्यवाद यू फॉर ब्रिंगिंग बैक My gem, मेरा gem वापस लाने के लिए प्यारी सारिका धन्यवाद मेरा gem वापस लाने के लिए It has made me very happy. इसने मुझे बहुत खुश किया यानी कि मैं बहुत खुश हो गई मुझे मेरा पुराना gem मिल गया मुझे मेरा खोया gem मिल गया With love, स्नेह के साथ Queen, रानी तो ये रानी ने एक लेटर भेजा कौन सा लेटर थैंक यू लेटर थैंक यू कार्ड भेजा है ना अब नेक्स्ट डे क्या होता है उसके बाद नेक्स्ट डे दूसरे दिन सारिकाज फ्रेंड हेल्पर्स अब उसके दूसरे दिन क्या होता है सारिका की एक फ्रेंड जो है वो सारिका की हेल्प करती है किस में हेल्प्स हर टू फाइंड अ लॉस्ट बुक सारिका की एक बुक गुम हो गई थी और सारिका की एक फ्रेंड ने उसकी मदद की है उस बुक को ढूंढने में सारिका वॉन्ट्स टू सेंड हर अ नोट अब चाहती है कि सारिका उसको एक सेंड करे नोट जैसा नोट क्वीन ने उसे सेंड किया था ना वैसा ही नोट सारिका चाहती है कि अब वो अपनी फ्रेंड को सेंड करे क्यों क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसकी खोई हुई बुक ढूंढ लिया है ना सो हेल्प सारिका राइट द नोट अब हम लोगों को आप बच्चों को सारिका की हेल्प करनी है कि नोट कैसे लिखना है यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है बेटा इसी स्पेस में हम नोट लिखेंगे यहाँ पर स्पेस है ना इस स्पेस में हमें वो थैंक यू नोट लिखना है कि कैसे अब सारिका वो थैंक यू नोट अपनी फ्रेंड को लिखेगी तो चलिए हम देखते हैं कि थैंक यू नोट कैसे लिखते हैं ओके बेटा तो देखिए ये हमने आज का आज डेट कौन सा है बेटा 24 मई 2021 तो सारिका ने अपनी फ्रेंड को थैंक यू नोट लिखा है डियर फ्रेंड डियर फ्रेंड डियर फ्रेंड सबसे पहले उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में थैंक यू धन्यवाद फॉर ब्रिंगिंग बैक माय लॉस्ट बुक मेरे खोए हुए बुक को लाने के लिए धन्यवाद इट हैज़ Made me very happy. इसने मुझे बहुत खुश किया फुल स्टॉप उसके नीचे की लाइन में इसी साइड में बेटा विथ लव और लास्ट में सारिका ओके डियर फ्रेंड अगर आप चाहें तो मैंने फ्रेंड लिखा आप फ्रेंड की जगह पर नाम भी लिख सकते हैं डियर पूजा डियर रिशिता डियर आराध्या ओके मैंने फ्रेंड लिखा तो ऐसे पता चले सो दिस इज द लेटर आप इस लेटर को पेज नंबर 13 के उस पेज में लिख लेंगे जिन बच्चों के पास नहीं है बुक वो क्या करेंगे वो इसे कॉपी में लिखेंगे ओके नाउ मूविंग टुवर्ड्स वर्कशीट 4 अब हम वर्कशीट 4 देखते हैं बेटा हेल्प सारिका टू पुट सारिका की हेल्प कीजिए टू पुट ए आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कुछ वर्ड्स दिए हैं बेटा यहाँ पे इन वर्ड्स में ये कंप्लीट वर्ड नहीं लग रहे बेटा नहीं लग रहे ना एस एम टी सी एच टी पी टी वाई
सो व्हाट डज दैट मीन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इनमें ए आर पुट कर देंगे सो दैट विल बिकम मीनिंगफुल वर्ड, ये मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। सो हमें सही जगह पर ए आर पुट करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। एस एम टी आपकी बुक में बना हुआ है, सो यहाँ पर लिखा एस एम ए आर टी स्मार्ट, एस एम टी एस एम ए आर टी स्मार्ट, सी एच टी सी एच ए आर टी चार्ट, सी एच ए आर टी चार्ट, पी टी वाई पी ए आर टी वाई पार्टी, पी ए आर टी वाई, एस टी टी एस टी ए आर टी स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स शुरू होना, एस एच के एस एच ए आर के शार्क, एंड सी डी सी ए आर डी कार्ड। सो यहाँ पर प्रॉपर प्लेस पे ए आर पुट करके हमें मिल गए एस एम टी से स्मार्ट, सी एच से सी एच ए आर टी चार्ट, पी जी वाई से पी ए आर टी वाई पार्टी, एस टी टी एस टी ए आर टी स्टार्ट, एस एच के एस एच ए आर के शार्क, सी डी सी ए आर डी कार्ड। So, here we have completed page number 13 of our English Reader Practice Book, Worksheet 3, Worksheet 4. जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, they will complete it in their notebook. कॉपी में कंप्लीट करेंगे, okay? That's all for today. Have a good day.